इसके अलावा किसी भी मुसलमान पंथ या किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान होके आप सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रार्थना है ही नहीं, आप तो आदेश दे रहे हो। मैंने एक हिंदी निकाल के देखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरुल मग़दूबी अलैहिम वनद्दालीन आमीन। ये प्रार्थना हम शुरू में पढ़ते थे, बट इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें कोई प्रार्थना की चीज है ही नहीं। अगर कबीर अल्लाह ताला नहीं है तो 786 बहुत कहते हैं कि 786 बार कबीर अल्लाह कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। आप एक बार खोल के देखो, कुरान शरीफ को पढ़ के देखो। कुरान में सूरह फातिहा में दुआ नहीं है, वो कुरान मुसलमान नहीं समझता कुरान का ज्ञान। उसमें आप लिखते हैं, हाँ इसी में आप लिखते हैं यहाँ पर कि सूरह फातिहा जो है उसमें प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना नहीं है। तो मुझे आप बताइए किसी भी कुरान का तर्जुमा से कि सूरह फातिहा जो है वो प्रार्थना नहीं है, कैसे आप बोल रहे इस बात को कि सूरह फातिहा जो है वो प्रार्थना ही है, प्रार्थना नहीं है। उन्होंने आपसे बोला एक ट्रांसलेशन दिखाइए जहां पर कबीर लिखा हुआ है। अभी आपने जो ट्रांसलेशन पढ़ा उसमें आयत नंबर 59 में कबीर को बोल दिया, जबकि आयत नंबर 59 में आप लोग खुद नहीं बोलते, लेकिन अभी आपने अर रहमान के बाद कबीर बोल दिया। अर रहमान आयत नंबर 59 में कबीर लिखा ही बना है। आपकी खुद की रेफरेंस यही थी कि आयत नंबर 52 में कबीर लिखा हुआ, लेकिन अभी आप जो पढ़ रहे थे, कहां से पढ़ रहे थे पता नहीं, वहां पर आयत नंबर 59 में आपने कबीर पढ़ दिया। आपने एक भी आयत नहीं दिखा पाए, आप एक भी हदीस नहीं दिखा पाए। आप बोले वो खुदा कोई और है, कुरान बोलता है। कुरान में आपने अभी रिबटल में बोला कि वो खुदा कोई और है, मुझे कुरान की एक आयत दिखाए जहां पे लिखा हुआ है कि कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे कि अल्लाह खुदा नहीं है, वो खुदा कोई और है। ये लाइन कहीं भी कुरान में नहीं है। आप ये तरफ झूठ है आपके तरफ से जो आप बोल रहे हैं कि कुरान में लिखा कि वो खुदा कोई और है, वो खुदा कोई और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। सुनो मेरी बात एंकर साहब जी, संपादक जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारा क्वेश्चन शहदाब जी से था, हमारा शहदाब जी से जो ट्रिब्यूट चल रहा था वही चलने दीजिएगा, अन्यथा हम आपके चैनल पे नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस तरह करोगे तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। वो चले गए लगता है शहजाद भाई लगता चले गए शहजाद भाई। ही फ्लेड, वो चले गए। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।